हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस सी एन आर एंड एन एन आर पार्सिंग। इन दिस वी कवर टॉपिक्स कैनोनिकल कनेक्शन ऑफ एन आर वन आइटम्स कैनोनिकल एन आर पार्सिंग टेबल एंड एन एन आर पार्सिंग अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दैट सी वॉट इज कैनोनिकल एन आर पार्सिंग दैट इज सी एन आर तो कैनोनिकल एन आर पार्सर जो है वो एन आर वन भी है ओके और इसमें हमें एन आर वन आइटम्स कम्प्यूट करने हैं जैसा कि हम एस एन आर में एन आर जीरो आइटम्स कम्प्यूट कर रहे थे यहाँ पे हमें एन आर वन आइटम्स कम्प्यूट करने हैं सी एन आर वन पार्सिंग टेबल बनाने के लिए ओके और जो सी एन आर वन पारसिंग टेबुल है इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो एस एन आर वन से ज़्यादा होंगे ओके दूसरा है कि सी एन आर वन में जब हम रिड्यूस करेंगे डिडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टेबल में तो हम वहाँ पे फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल यूज़ ना करके नुक हेड सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे ओके तो दीज आर थिंग्स दैट आर डिफरेंट इन केस ऑफ सी एन आर विद रेस्पेक्ट टू एस एन आर ओके तो स्टेप्स क्या हैं सी एन आर बनाने के पहला स्टेप है कि आपको जो ग्रामर जी है गिवन है इससे आपको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है द प्रोसेस इज सेम एज इन केस ऑफ एस एन आर कि आपको एक नया स्टार सिंबल इंट्रोड्यूस करना है तो so ओरिजिनल स्टार्ट सिंबल एस था तो हमने एस डैश करके एक नया स्टार्ट सिंबल दे दिया और इस एस डैश से हमने ओरिजिनल स्टार्ट सिंबल को डिराइव किया है बाकी जो प्रोडक्शंस हैं ग्रामर के वो एच डीज सेम रहेंगे तो नाउ योर ग्रामर इज़ कन्वर्टेड टू ऑगमेंटेड ग्रामर दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग सी एन आर पार्सिंग टेबल नाउ अब हमें करना क्या है कि वी हैव टू नो हाउ टू कंप्यूट द क्लोजर ऑफ एन आर वन आइटम तो एन आर वन आइटम का क्लोजर निकालना है तो पहले देखेंगे एन आर वन आइटम है क्या तो एन आर वन आइटम इज सिंपली एन आर ज़ीरो आइटम प्लस लुक हेड तो जो एन आर जीरो आइटम है उसमें अगर हम लुक हेड सिंबल ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एन आर वन आइटम ओके और इस एन आर वन आइटम को हमें क्लोजर निकालना है एंड दिस इज इट्स एनगोलिदम ठीक है दिस इस एनगो को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अगर ये आपको निकालना आ गया क्लोज़र तो आपको ये सी एन आर पार्सल टेबल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा ओके okay? तो हम क्लोज़र निकालना है एस डैश डिराइव्स डॉट एस कॉमा डॉलर ये डॉलर आपका नुक एड सिंबल है और एस डैस ड्राइव डॉट एस क्या है एन आर जीरो आइटम है ओके तो कंबाइंड ये एन आर वन आइटम हो गया इसका हमें निकालना है क्लोज़र तो स्टेप वन क्या है ऐड एवरी आइटम इन आई टू क्लोजर ऑफ आई तो जिस आइटम का हम क्लोजर निकालना है उस आइटम को तो हमें क्लोजर में ऐड करना ही करना है ओके okay? नाउ इस आइटम से हमें देखना है कि कुछ नए आइटम्स हमें इस क्लोज़र में मिल सकते हैं कि नहीं तो यहाँ डॉट के बाद एस है और एस से हमें यहाँ पे एक प्रोडक्शन मिल रहा है एस डिराइव सी सी तो हम ऐड करेंगे एस डिराइव डॉट सी सी ये आपका एन आर जीरो आइटम हो गया अब इस एन आर जीरो आइटम में हमें ऐड करना है लुक ahead सिंबल तो ये जो एन आर जीरो आइटम मिला हुआ है ये आपको इस प्रोडक्शन से मिला है एस डिराइव डैश ड्राइव डॉट एस डॉ से ओके तो इस एध आर वन आइटम को आप कंपेयर करिए विद दिस आइटम ओके तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे डॉट के पहले जो कुछ भी है वो अनफा है तो यहाँ पे डॉट के पहले कुछ भी नहीं है दैट इज़ तो आपका अनफा क्या हो गया एफ्साइन हो गया इस अनफा का कोई यूज़ नहीं है इस नुक हेड सिंबल को कंप्यूट करने में ओके okay? डॉट के बाद क्या है बी है दैट इज़ यहाँ पर डॉट के बाद क्या है आपका एस है तो आपका जो बी हो गया वो एस हो गया ओके okay? नाउ इस बी के आगे जो कुछ भी है वो आपका बीटा है तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ एस के बाद कुछ भी नहीं है नथिंग तो आपका जो बीटा है वो क्या हो गया है हो गया और जो नुक हैड सिंबल है वो आपका ए होता है तो यहाँ पर नुक हैड सिंबल क्या है डॉलर तो आपका ए क्या हो गया डॉलर ओके इतना निकालने के बाद आपको क्या निकालना है फर्स्ट ऑफ बीटा ए क्योंकि फर्स्ट ऑफ बीटा ए ही आपका नुक हैड सिंबल है तो बीटा क्या है एफ्साइनन ए क्या है डॉलर तो एफसाइनननन को कॉन्टिनेट करेंगे डॉलर से तो आपको मिलेगा डॉलर तो फर्स्ट ऑफ बीटा ए इज सिंपली फर्स्ट ऑफ डॉलर एंड फर्स्ट ऑफ़ डॉलर इज़ डॉलर तो इस एन आर जीरो आइटम के साथ जो नो कैट सिम्बल एड हुआ है वह है डॉलर एंड नाउ इट बिकम्स एन आर वन आइटम ओके अब इस एन आर वन आइटम से देखेंगे कि कुछ और एन आर वन आइटम्स इस नोजर में एड हो सकते हैं तो डॉट के बाद कैप्टन सी है और इस कैप्टन सी से दो प्रोडक्शन्स हैं तो वो दोनों एन आर जीरो आइटम्स में एड हो रहे हैं सी ड्राइव डॉट इस्मॉल सी कैप्टन सी एंड सी ड्राइव डॉट डी ओके दोनों एन आर जीरो आइटम्स हमें मिले हैं इस एन आर वन आइटम से तो इस अनार वन आइटम को यूज करके हम इन दोनों ही अनार जीरो आइटम्स का लुक हैड निकालेंगे तो अगेन इस अनार वन आइटम को हम कंपेयर करेंगे विद दिस वन तो अनफा आपका एफसाइनन है बी क्या है आपका सी है बीटा क्या हो गया आपका कैप्टन सी हो गया और जो ए है वो आपका डॉलर हो गया तो फर्स्ट और बीटा ए क्या होगा बीटा आपका कैप्टनसी है ए डॉलर है तो फर्स्ट ऑफ बीटा ए इज़ नाउ फर्स्ट ऑफ कैप्टन सी डॉलर एंड फर्स्ट ऑफ कैप्टन सी डॉलर इज फर्स्ट ऑफ कैप्टन सी और फर्स्ट ऑफ सी अगर देखें तो इस प्रोडक्शन से आपको स्मॉल सी मिलेगा और इस प्रोडक्शन से स्मॉल डी मिलेगा so तो फर्स्ट ऑफ कैप्टन सी डॉलर इज स्मॉन सी डी वो यहाँ लिखा गया सी बाई डी एंड सी बाई डी तो दिस इज द वे यू कैन कंस्ट्रक्ट द क्लोजर ऑफ एन एन आर वन आइटम ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द इकनोनिकल सेट ऑफ एन आर आइटम्स हमने एस अदार केस में यही काम किया था पर वो एन आर जीरो आइटम्स के नहीं किया था यहाँ पर हमें एन आर वन आइटम्स नहीं करना है तो जो इनिशियल स्टेट होगा आई जीरो इट इज़ क्लोजर ऑफ एस डैच ड्राइव डॉट एस कॉमा डॉलर ये होगा एस डैश ड्राइव डॉट एस ये हमने प्रोडक्शन ऐड किया था एंड डॉलर इज़ द एंड मार्कर तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये आइटम तो अपने क्लोजर में होगा हो ही होगा और ये हम ऑलरेडी अभी पिछले स्लाइड में निकाला भी है तो दिस इज़ योर आई जीरो ओके okay? अब आई जीरो पर हम जो सिम्बल्स रीड कर सकते हैं तो वो डॉट के आगे वाले सिम्बल्स हैं तो डॉट के बाद एस है कैप्टन सी है स्मॉल सी है स्मॉल डी है इन सिम्बल्स को हम आई जीरो पर रीड कर सकते हैं एंड लेट्स सी कि इनको रीड करने के बाद हम किस स्टेट पे पहुंचेंगे तो इफ़ यू रीड कैप्टन एस एट आई जीरो तो गो टू आई जीरो एस हम कहाँ पहुँच रहे हैं आई वन पर तो हमें क्नोज़र निकालना है किसका जो डॉट है उसको एस के आगे दे जाएंगे तो दिस बिकम्स एस डैश डिराइस एस डॉट कॉमा डॉलर इसका क्नोजर निकालना है एंड जब इसका क्नोजर निकाल देंगे तो दिस आइटम इज एडेड इन इट्स क्लोजर और इस आइटम से हमें कोई नया आइटम इस क्नोजर में नहीं मिल रहा है तो दिस इज योर आई वन ओके नाउ डेट सी आई ज़ीरो पर जब हम कैप्टन सी रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डॉट है ये कैप्टन सी के आगे आएगा तो हमें कक्नोज़र निकालना होगा एस ड्राइव्स कैप्टन सी डॉट कैप्टन सी कॉमा डॉलर का यू कैन सी है तो इसको एड करेंगे अपने क्लोजर में डॉट के बाद कैप्टन सी है इस सी से दो प्रोडक्शन है ग्रामर में डॉट सी सी एन डॉट डी और इन दोनों ही एन आर जीरो आइटम्स के लिए हमें जो बुक हैड निकालना है वो एस ड्राइव्स कैप्टन सी डॉट सी डॉलर से निकालना है अगर इसको कम्पेयर करें तो डॉट के बाद आपका ये सी जो है बी है सी का है कुछ है नहीं तो बीटा आपका एफसाइनन है और ए आपका डॉनर है तो फर्स्ट ऑफ बीटा ए क्या होगा फर्स्ट ऑफ डॉनर हो जाएगा तो एंड फर्स्ट ऑफ़ डॉनर इज डोनर तो हेयर लुक हैड इज़ डॉनर एंड हेयर लुक हैड इज़ डॉनर ओके और इन दोनों ही एन आर वन आइटम से हमें कोई नया एन आर आइटम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है नाव आई थ्री नहीं रख रहे हैं कि आई जीरो पर जब स्मॉल सी रीड करेंगे तो वी रीच आई थ्री तो यहाँ पर जो डॉट है स्मॉल सी के आगे आ जाएगा तो हमें एक नोज़र निकालना होगा कैप्टन सी ड्राइव स्मॉल सी डॉट कैप्टन सी कॉमा सी बाई डी का ओके okay? इसको हमने ऐड किया अपने क्नोज़र में और कैप्टन सी से दो प्रोडक्शन्स और मिल रहे हैं अब इन दोनों ही एन आर जीरो आइटम्स का दो का हेड निकाल देंगे यूजिंग दिस वन तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका बीटा है वो एफसाइनन है और जो ए है वो सी और डी दोनों हैं ओके okay? तो फर्स्ट ऑफ बीटा ए क्या होगा बीटा एफसाइनन है एक जगह सी रखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ सी सी मिलेगा और जब एक जगह डी रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ डी डी मिलेगा तो आपको सी और डी मिल रहा है तो इज सी एंड डी एंड सी बाई डी ओके नाउ जब हम डी रीड कर रहे हैं आई जीरो पर तो हम आई फोर पर जा रहे हैं और दिस इज़ योर आई फोर ओके एक चीज़ ध्यान रखनी है जो हमने काम एच नार केस में किया था कि जो स्टेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं ये तभी क्रिएट करेंगे जब हमें कोई नया स्टेट मिलेगा अगर वो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस स्टेट को यूज करेंगे कोई नया स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे और ये डिसाइड कैसे होगा ये डिसाइड होगा क्लोजर से ओके okay? अगर हम क्लोजर निकाल रहे हैं जिस एन आर वन आइटम का वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इट मीनस हमें कोई नया स्टेट नहीं मिल रहा है ओके okay? तो एन आर वन आइटम को मैच कराना है मतलब ये एन आर जीरो आइटम भी मैच करना चाहिए और ये लुक हैड भी मैच करना चाहिए अगर तो कोई एक भी मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब एन आर वन आइटम डिफरेंट है मीन्स सी ड्राइव सी डॉट सी सी बाई डी और C derive C डॉट C कॉमर डॉलर ये दो अलग आधार वन आइटम है क्योंकि इन दोनों का लुक हेड क्या होगा डिफरेंट होगा ओके तो प्रोसीड करते हैं नाउ I1 पे हम कुछ रीड नहीं कर सकते क्योंकि डॉट के आगे कोई सिम्बल नहीं है I2 पे वी कैन रीड कैप्टन सी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी तो कैप्टन सी रीड कर रहे हैं आई टू पे तो हम जा रहे हैं आई फाइव पे और जो हमें क्लोजर निकालना है एस derive सी सी डॉट डॉलर का और उस और इससे हमें कोई भी नया एन आद वन आइटम आई फाइव में नहीं मिल रहा है नाउ आई टू पर जब स्मॉल सी रीड कर रहे हैं तो हम स्टेट आई सिक्स पर जा रहे हैं जब क्लोजर निकालेंगे तो कैप्टन सी ड्राइव इस्मो सी डॉट कैप्टन सी कॉमर डॉलर निकाल रहे हैं तो ये आइटम तो अपने में ऐड होगा हो ही होगा और सी से दो प्रोडक्शंस हैं डॉट सी सी और डॉट डी अब इन दोनों का ही जो लुक हैड निकालेंगे वो इस प्रोडक्शन को यूज़ करके निकालेंगे तो इस प्रोडक्शन को देखें तो आपका जो बीटा है वो एफसाइनन है और ए डॉलर है ओके okay? तो बीटा ए क्या हो गया डॉलर तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर आप देख सकते हैं ओके नाउ कम टू आई टू पर जब डी रीड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी डिराइव डी डॉट कॉमा डॉलर एंड दिस इज ऑन दी एन आर वन आइटम इन दिस क्लोजर ये आई सेवन हो गया ओके okay? तो आई टू पर मैं सब कुछ रीड कर दिया है नाउ कम टू आई थ्री आई थ्री पर हम कैप्टन सी रीड कर रहे हैं तो हम पहुंचेंगे i8 पे ओके तो क्लोजर होगा C ड्राइव स्मॉल C कैप्टन C डॉट कॉमा C बाई डी और यही आइटम अपने क्लोज़र में रहेगा कोई नया आइटम इसमें ऐड नहीं हो रहा है ओके जब हम स्मॉल C रीड कर रहे हैं तो क्लोज़र क्या होगा कैप्टन C ड्राइव स्मॉल C डॉट कैप्टन C कॉमा C बाई डी और ये हम क्लोज़र ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो क्लनोज़र खुद यही है i3 पे ही आप देख सकते हैं उस तरीके से जब आप डी रीड करेंगे तो डी हो जाएगा सी ड्राइव डी डॉट कॉमा सी बाई डी इसका निकालना होगा कंक्नोज़र जो ऑलरेडी ये है तो ये भी हम कंप्यूट कर चुके हैं तो हमें कोई नया स्टेट नहीं मिल रहा है ओके ना आई फोर पर हम कुछ रीड नहीं कर सकते आई फाइव पर भी हम कुछ रीड नहीं कर सकते हैं आई सिक्स पर वी कैन रीड कैप्टन सी एंड वी विल गो टू स्टेट आई नाइन ओके आई अगर यहाँ पर स्मॉल सी रीड करें तो जो हमें कंकनोज़र मिलेगा निकालना होगा सी ड्राइव्स इस्मॉल सी डॉट कैप्टन सी कॉमर डॉनर और ये खुद आपस में ही है देख सकते तो कोई तो अब आपको कोई नया स्टेट नहीं मिलेगा दीज आर द टोटल टेन स्टेट्स वी हैव गॉड फ्राम द ग्रामर ओके दिस इज द एक्नॉमिकल सेट ऑफ एन आर वन आइटम्स ओके इनका यूज़ करके हमें एन आर वन पार्सर टेबुल बनाना है और दिस इज़ द एनगोरिज्म फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सी एन आर पार्सिंग टेबुल इसमें वो चेंज नहीं है जिस तरीके से हमने एस एंड पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट की है सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है दो टेबल होते हैं एक एक्शन टेबल होता है गो टू टेबल होता है तो गो टू टेबल वैसे ही कंस्ट्रक्ट होगी जैसा कि हमने एस के केस में किया था देर इज़ नो चेंज ओके नाउ जो एक्शन टेबल में उसमें हमें दो ऑपरेशन लिखने होते हैं शिफ्ट एंड रिड्यूस तो शिफ्ट ऑपरेशन जो है वो वैसे ही फिलअप होगा जैसा कि एस के केस में हमने किया था उसमें भी कोई चेंज नहीं है जो चेंज होगा वो रिड्यूस ऑपरेशन में होगा एसर आज में हम यूज़ कर रहे थे फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल फॉर फिलिंग द रिड्यूस ऑपरेशन क्योंकि यहाँ पे फॉलो का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे फॉलो की जगह लुक अहेड सिंबल को हम यूज़ करेंगे फॉर फिलिंग द रिड्यूस ऑपरेशन ओके अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे फिल करेंगे और एक इंट्री जो होगी एक्सेप्ट की वो क्या होगी हमें ये प्रोडक्शन चेक करना है एस ड्राइव एस डैश ड्राइव एस डॉट कॉमा डॉलर ये प्रोडक्शन ये एन आर वन आइटम जिस भी स्टेट में होगा सपोज वो आई आई स्टेट में है तो आई आई स्टेट में और डॉनर कॉदम पे हमें लिखना होगा एक्सेप्ट ओके और इसके अलावा जो भी इंट्री वैकेंट रह जाएंगी दे आर ऑल एरर इंट्रीज, ओके ऑल इंट्रीज नॉट डिफाइंड बाई रूल टू एंड थ्री आर मेड एरर और ये आपकी निश्चित स्टेट है जहाँ से आपको क्लोजर निकालना शुरू करना है तो देर नथिंग मस्ट चेंज इन कंस्ट्रक्टिंग दी एन आर पार्सिंग टेबुल विद रिस्पेक्ट टू एन आर पार्सिंग टेबुल ओके तो दिस इज द डी एफ ए ये डी एज इट इज कंस्ट्रक्ट होगा जैसे हमने एस में कंस्ट्रक्ट किया था कि आई जीरो स्टेट पर अगर एस रीड कर रहे हैं तो वी आर रीचिंग आई वन सी रीड कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं कहाँ आई टू पर स्मॉल सी रीड कर रहे हैं तो आई थ्री पे जा रहे हैं स्मॉल डी आई फोर और इस तरीके से ये डी एफ ए आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो देर इज नो चेंज वैसे ही डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करना है जैसे कि हमने एस एन आर के केस में किया था ओके okay? नाउ अब हमें यहाँ फिल करना है शेदार पासिंग टेबल बनानी है तो गो टू टेबल वैसे ही बनेगा आप देख सकते हैं कि हम जब आई स्टेट पे हैं और एस रीड कर रहे हैं तो आई वन पर जा रहे हैं और आई ज़ीरो स्टेट पे जब कैप्टन सी रीड कर रहे हैं तो आई टू पर जा रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आई जीरो स्टेट पे जब हम कैप्टन एस रीड कर रहे हैं तो आई वन स्टेट पर जा रहे हैं वन दिखा है दिस इज स्टेट नंबर और जब कैप्टन सी रीड कर रहे हैं तो आई टू पर जा रहे हैं दैट इज़ स्टेट नंबर टू तो गो टू टेबल वैसे ही फिल होगी ओके जो शिफ्ट ऑपरेशन है वो भी वैसे ही फिल होगा जैसे कि हमने एस एन आर केस में किया था आप यहाँ देखें तो आई जीरो पर अगर हम स्मॉल सी रीड कर रहे हैं तो हम आई थ्री पे जा रहे हैं और स्मॉल डी रीड कर रहे हैं तो आई फोर पे जा रहे हैं तो सेम वे जब स्मॉल सी रीड कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं आई थ्री पर जा रहे हैं तो वी हैव टू राइट एस थ्री और जब स्मॉल डी रीड कर रहे हैं तो हम आई फोर पर जा रहे हैं तो वी हैव टू राइट एस फोर तो सेम है जैसा कि हमने एस के केस में किया था तो ऑनली चेंज जो तो होगा वो तो है जो रिड्यूस ऑपरेशन है ये लिखे हुए आर थ्री आर वन इसमें फिल्म करना है और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो अनार वन आइटम्स आपने कंप्यूट किए हैं कैनोनिकल सेट ऑफ अनार जीरो वन आइटम्स उसमें देखने हैं उन स्टेट्स को जिसमें कि जो डॉट है वो सबसे आखिर में लगा हुआ है ओके okay? तो इफ़ यू लुक एट दिस कि डॉट सबसे आखिर में कहाँ लगा हुआ है जैसे आप आई फोर को देखें ओके इफ़ यू सी एट आई फोर तो डॉट तो है वो सबसे आखिर में लगा हुआ है ओके okay? और नुक हैड सिंबल को ध्यान से देखिए सी और डी है ओके तो सी और डी पे हमें रिड्यूस ऑपरेशन लिखना है ओके okay? तो हम प्रोडक्शन कौन सा है सी ड्राइव्स डी तो अगर हम देखें तो सी ड्राइव्स डी इज द प्रोडक्शन नंबर थ्री हमें नंबरिंग की हुई है ये एक्चुअल ग्रामर है वन टू थ्री तो इस इज तो प्रोडक्शन नंबर थ्री ओके तो हमें क्या करना है आर थ्री लिखना है क्योंकि प्रोडक्शन नंबर थ्री है कहाँ पे लिखना है लुक हेड सिंबल के करस्पॉन्डिंग नूक सिंबल क्या थे सी और डी ठीक है स्टेट क्या था फोर थे फोर पे सी और डी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिखा है आर थ्री ओके अगर आप यहाँ देखें स्टेट नंबर एट को एक बार चेक करें तो स्टेट नंबर जो आई एट है दिस इज वन सी ड्राइव स्मॉल सी कैपिटल सी डॉट और यहाँ पे भी नूक एट सिंबल क्या है सी बाई डी तो स्टेट नंबर एट है तो स्टेट नंबर एट में हमें एंट्री करनी है सी और डी के करस्पॉन्डिंग क्योंकि नुक हेड सिंबल सी और डी है और ये प्रोडक्शन नंबर है आपका टू ओके स्टेट नंबर एट में सी और डी के करस्पॉन्डिंग हमने एंट्री किया है आर टू आर टू तो दिस इज द वे द एन आर पार्सिंग टेबल इज कंस्ट्रक्टेड होप यू विल अंडरस्टैंड इट्स वेरी सिंपल इफ यू नो हाउ टू फिल एस एन आर इट इज ईजी टू कंस्ट्रक्ट सी एन आर पार्सिंग टेबल ओके नाउ दैट सी द एन एन आर पासिंग टेबुल कंस्ट्रक्शन ओके वेरी सिंपल है हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें यूज़ करना है कैनोनिकल सेट ऑफ एनआर वन आइटम्स ये निकालना ही निकालना है जब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो अगर आपको एन आर एन एन पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको सी एन आर के कैनोनिकल सेट ऑफ़ एन आर वन आइटम निकालने हैं पूरे ओके okay? तो वही एग्जाम्पल वही ग्रामर को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया है अब इसमें हमें करना क्या है कि वो स्टेट्स देखने हैं जिनके एन आर जीरो आइटम्स कॉमन हैं ध्यान दीजिएगा एन आर जीरो आइटम्स कॉमन है ना कि लुक हैड हमें देखना है तो आप देखेंगे कि आई थ्री और आई सिक्स को आप देखें तो इसका एन आर जीरो आइटम क्या है सी ड्राइव सी स्मॉल सी डॉट कैप्टन सी नूक हैड को नहीं देखना है सिर्फ एन आर जीरो आइटम को ही चेक करना है और अगर आई सिक्स का देखें तो इसका भी एन आर जीरो आइटम वही है सी डराइव स्मॉल सी डॉट कैप्टन सी ओके और कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसका कि एन आर जीरो आइटम ये हो तो यहाँ पर आई थ्री और आई सिक्स ऐसे स्टेट्स हैं जिनका एन आर जीरो आइटम सेम है हमें करना क्या है कि इन दोनों ही स्टेट्स को आपस में मर्ज कर देना है ओके okay? और ये दोनों स्टेट्स हट जाएँगे और इनकी जगह पर एक नया स्टेट आएगा और वो होगा आई थ्री सिक्स क्योंकि हम थ्री और सिक्स को मर्ज करके बना रहे हैं तो हम लिखेंगे आई थ्री सिक्स ओके okay. क्लियर है और जो उनका क्लोजर लिखा जाएगा उसमें क्या करना है कि जो एन आर जीरो आइटम्स हैं देखें वो तो सेम आएंगे ही आएंगे सिर्फ डिफरेंस होगा लुक हेड में तो इन दोनों के लुक हेड को हमें मर्ज कर देना है तो आप देखेंगे कि इस केस में लुक हेड सी बाई डी था सी बाई डी सी बाई डी यहाँ पर डॉलर 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 जब आई थ्री सिक्स बनेगा तो यू कैन सी दैट आई थ्री सिक्स तो यहाँ पे सी बाई डी बाई डॉलर इनके लुक हेड सिंबल्स दोनों स्टेट्स के आपस में मर्ज कर दिए गए हैं बाकी आधार जीरो आइटम्स दोनों स्टेट्स में कॉमन थे और लुक हेड सिंबल्स को दोनों स्टेट्स को मर्ज किया गया है यू कैन सी हेयर ओके द सेम वे जो आई फोर है और आई सेवन है इनके भी जो आधार जीरो आइटम्स हैं सेम हैं तो हम आई फोर और आई फोर और सेवन को मर्ज करेंगे और नया स्टेट बनेगा आई फोर सेवन और जो लुक हेड हो जाएगा सी बाई डी बाई डॉलर ओके उस तरीके से आई एट और आई नाइन के जो एन आर जीरो आइटम्स हैं वो आपको सेम भी देंगे तो हम आई एट और आई नाइन को मर्ज करेंगे तो नया स्टेट बनेगा आई एट नाइन ओके तो फाइनली जो हमें स्टेट्स मिले आई जीरो आई वन आई टू आई थ्रिक्स सिक्स को मर्ज किया तो आई थ्री सिक्स मिला आई फोर सेवन को मर्ज किया तो आई फोर सेवन मिला और आई फाइव और आई एट नाइन को मर्ज किया तो आई एट नाइन मिला तो दीज आर देश्स In case of N -N parsing, इन केस ऑफ एन एद आर पारसिंग अब इन स्टेट्स को यूज़ करके हमें एक टेवन बनानी है और एक टेवन वैसे ही बनेगी जैसे कि हमने एन आर वन पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट की है कोई चेंज नहीं होगा तो उसमें क्या चेंज हो रहा है जहाँ पे एस थ्री आ रहा था वहाँ पे एस थ्री सिक्स आएगा या एस सिक्स आ रहा था वहाँ भी एस थ्री सिक्स आएगा ओके एन आर वन में जहाँ एस फोर आ रहा था वहाँ अब एस फोर सेवन दिखेंगे और जहाँ पे एस सेवन भी आ रहा होगा तो वहाँ भी एस फोर सेवन ही लिखेंगे ओके जहाँ पे एस एट आ रहा होगा वहाँ पे एट नाइन लिखेंगे एस एट नाइन और जहाँ पे एस नाइन भी आ रहा होगा तो वहाँ पर भी एस एट नाइन ही लिखा जाएगा ओके जो रिड्यूस ऑपरेशन हैं वो मर्ज हो जाएंगे ओके तो फोर अगर आप प्रीवियस देखें तो स्टेट नंबर फोर पे सी और डी पे रिड्यूस ऑपरेशन हो रहा था मगर डॉनर पे नहीं था मगर इस केस में देखेंगे तो सी डी डॉलर मर्ज हो गए तो यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशन डॉलर पे भी आ गया है तो दिस इज़ द ऑनली चेंज आप देख सकते हैं टेबुल में यहाँ पर एस फोर पे आर थ्री आर थ्री है बट डॉलर पे नहीं है ओके और जब ये एस फोर सेवन होगा तो अगर आप एस सेवन पर देखें तो सी ओ डी पे नहीं है डॉलर पे आर थ्री है तो जब दोनों मर्ज होंगे आई फोर सेवन बनेंगे तो सी डी और डॉनर पे तीनों जगहों पे आर थ्री आर थ्री आर थ्री आ जाएगा तो यू कैन सी दैट ओके तो दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट एन एन आर पार्सिंग टेबल ओके तो इसके लिए पहले आपको एन आर वन आइटम्स इकनॉमिकल सेट से निकालने पड़ेंगे फिर उन सेट्स को देखना होगा कि किन सेट्स के एन आर जीरो आइटम्स कॉमन है उनको आपको कंबाइन करके एक स्टेट बनाना होगा और फिर आपको जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगी वो उसी वे में कंस्ट्रक्ट होगी जैसे कि आपने एन आर वन पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट की थी ओके तो होप यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट सी एन आर एंड एन एन आर ओके तो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एन आर वन पार्सल एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एन एन आर वन पार्सल ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू